जिन्हें भी कोई कानून तोड़या ही शुड बी प्रोसिक्यूटेड, बट गवर्नमेंट शुड नॉट प्ले पॉलिटिक्स इन इट। जो दोषी है whoever is good, he has to be punished. See, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लगातार पॉलिटिक्स खेडी है, रणजीत सिंह कमीशन भी पॉलिटिक्स है। आज हाईकोर्ट ने की डिसीजन देता है, हाईकोर्ट ने क्या थी, सर रणजीत सिंह कमीशन फाइंडिंग्स आर नॉट वैलिड, दे हैव नो एविडेंस एंड इज डायरेक्टेड द एसआईटी दैट डू नॉट डिपेंड ऑन देम। तो उन्होंने दो साल रणजीत सिंह का की किया, ओदा बहुत बड़ा योगदान है। इवन इन्हों के मिनिस्टर तक ने पैरी हाथ लाए ने कि जस्सी जी तुम्हारे गाने का बहुत बड़ा योगदान था, 5 साल केजरीवाल। असी आम आदमी पार्टी तो अरविंद केजरीवाल नूं आगाह करते हैं, वॉर्न करते हैं कि साड़ी कलम हुण तुहाडे लई नहीं है, साढ़े मुँह चो निकले हुए लफ्ज वो तुसीं होर इस्तेमाल नहीं कर सकते, साढ़े दोनों गीत तुसीं इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने किसी भी प्रचार दे विच कंपेनिंग दे विच भुल के भी वह गाणियां नूं इस्तेमाल ना करो, नहीं तो असीं तुहाडे ते 5 करोड़ रुपए का दावा ठोकांगे। अज की असी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है जी, असी आम आदमी पार्टी जी असी अपने खून पसीने नाल बिना लालच तो बिना गर्ज तो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहते हैं जी जिनको अहदों का लालच है, जिनको सीट का लालच है, वो पार्टी में ना आए, ना असी अहदे करके आए, ना असी सीटा करके आए। फिर भी बठिंडे तो तुसी सीट दिती कि जाके उत्थे लड़ो, बठिंडे असी लड़े सी, पर 2014 तो लैके आ 5 साल बीत चुके ने, सच की आवाज़ नूं उन्होंने कभी भी सुनिया नहीं, तो ना साड़ियां कोई ईमेलों का जवाब दिता। अज पार्टी के पतन करके असी फिर ईमेल की सानू 21 जनवरी तो पहला पहला तुसीं अपना प्रतिकर्म ते सानू चंडीगढ़ आके आप मिलके जाओ भगवंत मान ते केजरीवाल, पर 21 जनवरी तक भी नहीं आए। तो फिर वलंटियर्स कहते जस्सी जी भी थोड़ा होर वेट कर लो, असी गल कर रहे हैं। मैं कोई गल नहीं, तुसीं देख लो थोड़े लीडर ने नहीं आना, पर असी अज तक वेट की वो नहीं आए। हुण असी उस आम आदमी पार्टी नूं भरे मन नाल पर मन च आक्रोश ते दर्द ते होर ज़्यादा जज्बा लैके असी छड रहे हैं। और साड़ी एक गदर फैडरेशन बनी है एन आर आई दे और जिहड़े इत्थों दे पंजाबी ने सुहिरद लोग उन्हां नाल मिलके वो फैडरेशन तहत असी अगली कार्रवाई करांगे। आनंदपुर साहब जो कि मेरी लोग सभा जिथे मैं जम्मिया पलिया हाँ, जिथे मैं पढ़िया हाँ, उस लोग सभा तो पिछली बार भी 2014 च लोगों ने ते साडी बरादरी ने उन्होंने कहा सीगा कि तुसीं इत्थों इलैक्शन लड़ो ते तुहानूं जिता के भेजांगे। ते इस बार भी वो लोग कह रहे हैं जस्सी जी भी हुण ना किते इधर उधर चल जाओ, उन्हां दा कहना कि तुसीं आनंदपुर साहब तो इलैक्शन लड़ो, ते असीं आनंदपुर साहब जावांगे उत्थे सेवा करके ध्यान ला के वाहिगुरू तो उस परम पिता धन गुरु गोबिंद सिंह तो जो आवाज़ आई वो आवाज़ आप जी दे नाल शेयर करांगे। असीं जिहड़े अज कह रहे हैं कि लाइक माइंडेड पीपल भी असी हुण असी पंजाब बचावांगे, असी उन्हां कोल भी जावांगे, ते उन्हां दी जो राय हुई जो वो सोचते हुए वो भी आप जी दे नाल शेयर करांगे। ते आने वाले कल च गदर फैडरेशन एक होर मच्योर राजनीति जो कि अज दे इस कलयुग दे विच पॉसिबल है उहदे विच वो राजनीति करदी हुई लोगों के हकों लई लड़ूगी। साडी जिहड़ी कलम है अकाल पुरख वल्लों बख्शे जिहड़े लफ्ज़ ने इन्हां दी कोई कीमत नहीं हो सकती, पूरी परमात्मा तो जिन्हों जो बिरती उदों आई सी जो माहौल सीगा उहदे विच इस कलम ने इनकलाब गाना जिहड़ा 8.5 मिंट का सी जिहड़ा अमेठी वाराणसी तो लैके सारियां लोग सभा दे विच 2014 च अरविंद केजरीवालों मैंडेटरी किया गया सी भी ये गाना चला के रखो। ईवन कुमार विश्वास जिहड़े खुद बड़े अच्छे शायर ते लेखक ने उन्होंने भी कहा सीगा भी जहां मैं नहीं आ पाता अमेठी में वहां ये जस्सी का गाना चला दो भाई, इसमें सब कुछ ही है। तो उन्होंने भी वह गाना चलाया उत्थे यूज किया। उस तो बाद इनकलाब टू जिहड़ा मार्च अपने 2015 की इलैक्शन च फिर दोबारा लिखिया तो वह सारिया 70 दियां 70 विधानसभा दिल्ली च चलिया, उहदा बहुत वड्डा योगदान है। ईवन इन्हां दे मिनिस्टर तक ने पैरी हाथ लाए ने कि जस्सी जी तुम्हारे गाने का बहुत बड़ा योगदान था, 5 साल केजरीवाल। असी आम आदमी पार्टी तो अरविंद केजरीवाल नूं आगाह करते हैं, वॉर्न करते हैं कि साड़ी कलम हुण तुहाडे लई नहीं है, साढ़े मुँह चो निकले हुए लफ्ज़ वो तुसीं होर इस्तेमाल नहीं कर सकते, साढ़े दोनों गीत तुसीं इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने किसी भी प्रचार दे विच कंपेनिंग दे विच भुल के भी वो गाणियां नूं इस्तेमाल ना करो, नहीं तो असीं तुहाडे ते 5 करोड़ रुपए का दावा ठोकांगे। राहुल गांधी का पंजाब शायद
ਰਜਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਕਰ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਬੱਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਜੀ ਇਹ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਪਾਪ ਵਜਰ ਵਜਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਸਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬੋਲਿਆ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4:30 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਫਿਰ ਸਰਵਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਕੋਈ ਆ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਖਾਉਂਗੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਪਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ 7 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖੰਡ ਪਾਠ ਉੱਥੇ ਰਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਂਗਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਸਮਝੋ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ 3 ਦਿਨ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ 3 ਤੋਂ 7 ਤੋਂ 10 10 ਤੋਂ 18 18 ਦਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਡਾਲਾ ਹੈ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਸੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਜੋ ਮਤਾ ਹੈ ਹਮ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦੇਂਗੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦੇਂਗੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬਤਾਏਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਂ ਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਲੜਾਓ ਯਹਾਂ ਸੇ ਲੜਾਓ ਇਹ ਉਨਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਾਂ ਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹਤੇ ਸਾਡੀ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋ ਆਵਰ ਓਨਲੀ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਅਨਬਾਇਸਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਫੇਅਰ ਟੂ ਐਵਰੀਬਡੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਕੰਪਲੀਟਡ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਸੋ ਟੂਡੇ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਐਨ ਆਰਡਨਰੀ ਡੇ ਇਨ ਆਫਿਸ ਫੋਰ ਅਸ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਘਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਲਗਭਗ 11 ਵਜੇ ਹਮਾਰਾ BOP ਗਟਿਆਟ ਜੋ ਪੜਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਮੇਂ ਹੁਆ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਹਿੱਟ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਥੀ ਤੋ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਛ ਇਨਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿਆ ਤੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਸ ਤਰਫ ਭਾਗੇ ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੀਰੋਇਨ ਕੋ ਇਹ ਥ੍ਰੋ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਥੇ ਜੈਸੇ ਇਹ ਸਮਗਰ ਇਸਕੋ ਥ੍ਰੋ
करके करने के बाद वापस भागने लगा, तभी हमारे लड़कों ने इनके ऊपर फायर भी किया। शुरू में एक राउंड किया, नज़दीक में जाकर चार राउंड और फायर किए, तो किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहा। तो हमने पूरा एरिया को सर्च किया, उसके बाद हमारे को ये दो पैकेट हमारे रोड पे मिले और चार पैकेट जो है खेतों में पड़ा मिला। तो उसके बाद हमने पूरा सर्च किया, सर्च करने के बाद आगे हम सुबह हमने पूरा एरिया को सर्च किया, तो लगभग फेंसिंग से 300 मीटर आगे हमारे को एक पिस्टल, जिसके 5 राउंड के साथ हमारे को एक पिस्टल भी बरामद हुआ। पिस्टल ये मेड इन, जिस पिस्टल को देखा जाए तो ये मेड इन पाकिस्तान का है, पाकिस्तान जिस पर साफ इसमें लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान। इसमें 5 9mm के राउंड भी हैं और बाकी ये हमारा हीरोइन लगभग 3 kg के आसपास है, 2.92 kg के आसपास है। सब तो वड्डा मैं समझदा गरीबां दा जिहड़ा फैसला होया गरीबां लई एससीज लई, जिहड़ा 400 यूनिट 2 महीने दे बिल दा पर मंथ 200 यूनिट वापसी, पर लेकिन उहदे च किते ना किते अड़का बणदा सी कि जिहने 210 यूनिट फूक लई ते उहनूं कोई माफ़ी नहीं सी, बई सारी माफ़ी चक्की जांदी सी। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੈ ਔਰ ਭਾਵੇਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਫੂਕੀ ਹੈ, 100 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਮਹਿਕਮਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫ਼ੀ ਹੈ ਉਹ 200 ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਈ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, 200 ਦੀ ਬਜਾਏ 250 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਫੈਸਲਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 384.40 crore ਰੁਪਈਆ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 298.75 crore ਰੁਪਈਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ। ਉਹ DC ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਕੇਸ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 12 to 21 ਤੱਕ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੈਲੰਜ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਾਰਟੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦੀ, ਅੱਜ ਹਵਾਈ ਆਈਟਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈ। ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠੇ, ਜਲਦੀ ਬੈਠੇ ਕੁਰਸੀ ਪਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਰ ਨਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਦੇ 17 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਮਲੀ ਵਜਿਆ ਕਰੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣਗੇ
और सिग्नेचर जेडे आ वह सारे के सारे सिग्नेचर मैं एक महीना जी मेरी मुहिम चलूगी वह कट्ठे करने तो बाद जो अगला जी रणनीति फिर दसा वह सुखबीर सिंह सच्चे से तो अच्छ आते इतने स्पष्ट करते आन के अज मेरे सवालों का जवाब देने सुखबीर सिंह अच्छ सुखबीर सिंह डॉप टेस्ट कराते अच्छ सुखबीर सिंह में भजन की लड़ नहीं सी मैं फिर भी सुखबीर सिंह में एक महीने का टाइम दिना कि एक महीने के डॉप टेस्ट करावे नहीं तो पूरे पंजाब 117 हल्कों के कुलबीर सिंह जीरा सिग्नेचर मुहिम सुखबीर सिंह के उल्ट चलाएगा जे सुखबीर सिंह नशा ना करता हूं तो उन्होंने अब भजना नहीं चाहिए अब लोगों की अदालत च आना चाहिए सी अब इतने आन के डॉप टेस्ट करा चाहिए सी मैं डॉप टेस्ट कराया उन्हें मैंने नशेड़ी कहा और मेरा जो रिजल्ट और नैगेटिव आया वो जेडे जेडे मेरे वर्करा के परचे हुए या जी गलबात उन्होंने सारे दिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इनकुआरियां लाइया ने यह तो आप लोगों ने नजायज़ परचे करते रहे तो आप परचे वाले वजदे होंगे सके ये किसी को की दसनगे कि नजायज़ परचे होंगे या नहीं होंगे इन्हों पुछो इन्होंने किन्ने नजायज़ परचे कराए और अज जिस पवित्र स्थान के उपर असी खड़े हाँ पातशाही छेवीं के इस पवित्र स्थान के उपर खड़े हाँ और इतों का मैं दसना चाहना इतने एक 2014 के एक नींह पत्थर रखिया हरी सिंह जीरा ने लोगों को आन के कहा कि तुम इतने आओ और जोड़ा कि आपू दिक्कत आँदी है बच्चों को पढ़ने लिए जीरे मखू और जिन्होंने मोगे फिरोजपुर जाना पैंदा आप 10 एकड़ जमीन श्रोमणी कमेटी को दईए अवतार सिंह मक्कड़ इतने आए और हरी सिंह जीरा जिन्हों की नूँह जी मैंबर एस जी पी सी मैंबर आ जिन्हों का बेटा जोड़ा वो जिला प्रधान आ और नींह पत्थर रखिया तुम वेख लो उन्होंने इतने 10 फुट उच्ची जी जमीन सी उनके बेटे ने हरी सिंह जीरे के बेटे ने मिट्टी भी वेची रेता भी वेची पर खालसा कॉलेज अजे तक नहीं बनया और इनकी भी मंग को लैके इलाके की मंग को लैके मैं अकाल तख्त साहब से चिट्ठी भी लिखागा और श्रोमणी कमेटी को चिट्ठी लिख के इनका जवाब जोड़ा मैं जल्दी जो तो जल्दी मंगागा और उत्थे जाके पेश होवांगा और जोड़े मेरे 5 सवाल से जिन्हों का जवाब सुखबीर सिंह ने अज नहीं दिता इन सवालों का जवाब लैन लिए भी चाहे मैनू उनके मगर मगर जिते जिते रैलियां करूंगा उत्थे जाना पाया मैं आपकी मुहिम जारी रखागा इतों MLA उन्हें इतने पोलिटिकल टेररिज्म क्रिएट की लोगों जिमें टेररिस्ट समा सी जो घर वड़दे सी लुटते सी मारते सी कोई हालात SMLA ने इत्थे खड़ी की है इत्थे कोई कानून की अवस्था नहीं है इस हल्के झूठे परचे दिते जाते हैं लोगों घरे वंड नहीं दिता जा रहा ऐ जी हालात मैं किसी हल्के नहीं देखी जै जी हालात टेररिज्म वर्गी हालात इस हल्के है तो मैं हैरान है इतों के SSP के DSP के इन दे कि तुसी इन्ना ही कमजोर हो गए कि थोड़ी कोई जमीर नहीं बची थोड़े जी वर्दी पाई है वह कोई फर्ज है इन्ना गिर गए है कि MLA के कहते लोगों तबाह कर रहे हो लोगों की जीवन खराब कर रहे हो कब्जे कर रहे हो इतने शरेआम ड्रग्स का ट्रेड चल रहा शरेआम शराब के काम कराई जाते हैं शरेआम रेता दूजा वर्ग है जो गलत काम है इतने हो रहा है मैं यदा कि काम नहीं मैं थोड़ा जब तुम आप जो मैं पब्लिक मिल रहे हैं तुम सारे की इको एक आवाज़ है कि जो टेररिज्म का काम किया टेरर फ्रेड किया है तुम देखो ताइयो पार्टी ने कट के बाहर मारिया यही हालात है जे ऐसा बंदा रोग एलीमेंट है जी पार्टी ने सस्पेंड कर दिता होए वो बारे मैं की कह चलो देखते हैं कि कहते असी उन्होंने पूरे सरकार को फड़ा गए कि 2 साल हो गए 2 साल किया है पंजाब वास्ते बजट पेश करना बड़ी चीज़ है बजट कुछ देना कुछ चीज़ है दिता तो है नहीं खोया लोगों को उन्होंने अपनी पार्टियां जो मर्जी कर मैं ये कहना है पिछले बजट च नहीं जो किया अब बजट का झूठ का पलंदा पेश कर रहे हैं और आप पता कि उन्होंने पैरों थलो जमीन निकल गई है आई कारण है कि उन्होंने आ जे झूठे परचे करके लोगों के कागज रद्द करके अपने सरपंच पंच के जिला परिषद ब्लाक समिति इलेक्शन लड़े है जनता च क्यों नहीं आके लड़े कागज रद्द करने की लड़ है कागज वो रद्द करवा चाहे डर अज तुम जनता की आवाज सुनी है जेडे पिंड पांच बंदे नाल नहीं उन्होंने सरपंच बनाया जो पार्लीमेंट आऊगा अगले असैम्बली इलेक्शन आऊगा आई लोग फिर उन्होंने दसनगे ईमानदार आदमी जिसने कांग्रेस में अपनी बेहतरीन जिंदगी का हिस्सा जो कांग्रेस को समर्पित किया और मैं बड़े अफसोस का कहना पैंदा कि इस तरह के अच्छे व्यक्तियों को छड़ के कांग्रेस ने सदा व्यापारियों का साथ दिता सदा पेशावर लोग जिहड़े ने जिन्होंने पॉलिटिक्स में एक धंधा बना के रखा वा उन्होंने तरजीह दी
और कांग्रेस ने हमेशा इस तरह के जिहड़े लॉयल वर्कर सीगे उन्हां नूं इग्नोर किया। एक कल्ला कांग्रेस नहीं हो रहा, यह सारिया रवायती पार्टियां जिहड़ियां इस भारत देश दियां ने और पंजाब दे विच ने वो क्योंकि इन्नी बुरी तरह करप्ट हो चुकिया ने, उन्होंने सिर्फ पैसे दिसते हैं, उन्होंने कोई ईमानदार आदमी नहीं दिसदा। तुसीं किसी प्रधान नूं पुछोगे कभी, तुसीं कोई पोलीटिकल पार्टी का प्रेजिडेंट आ उन्हें पुछोगे तुहाडा जरा टिकट देने का तुहाडा क्राइटेरिया की होगा, तुसीं असैंबली किस नूं बंदे नूं टिकट दे, वो हमेशा कहणगे जेतू कैंडीडेट हुंदा है। इस गठजोड़ दे विच साडे नाल डॉक्टर धर्मवीर गांधी मैंबर पार्लीमेंट पटियाला, लोक इंसाफ पार्टी के बैंस ब्रदर्स, बहुजन समाज पार्टी, टकसाली अकाली दल के ब्रह्मपुरा साहब और उन्हां दी टीम ते पंजाबी एकता पार्टी ने यह कल सहमति की। तो असं चाहते हैं कि पंजाब दे विच असीं एक निग्गर ते ठोस मुकाबला कांग्रेस नूं दईए, क्योंकि अकाली दल मेरे हिसाब दे नाल जिदन वोटां गिणिया जाणगियां वह किसी खेड विच नहीं होएगा, क्योंकि उन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी च पिट दिखाई लोगों को बैबल कलां दे विच गोली मारन तों बाद पुलिस वालों की हिफाजत की, और वैसे भी जो लुट ते कसुट की पिछले 10 साल लोग इन्हों तो बहुत भारी नफरत करते हैं, इसलिए असं गठजोड़ वालों ताकत नाल वध रहे हैं। मोदी साहब की सरकार आ, सुखबीर सिंह बादल दे उत्थे धर्म पत्नी मिनिस्टर है, उन्होंने को साड़ी जांच करावे, जे असं गलत फंडिंग ले रहे हैं साढ़े खिलाफ तुरंत एक्शन करे, नहीं तो अपना मूँह बंद रखे। नहीं देखो ये सारे रजवाड़ा शाही नाल कनैक्टेड ने, इन्होंने पंजाब के जमहूरीयत के उत्ते एक वर्क चढ़ाया होया चांदी के उत्ते, जिदा चढ़ाई का ना बर्फी के उत्ते चांदी का वर्क चढ़ाई का है, जमहूरीयत का वर्क है, अंदरों तानाशाह ने अंदरों ये उही गल जो इन्होंने पुरखे करते रहे सेवा सिंह ठीकरी वाले दे नाल, जो जुलम ते जो तशद्दुद इन्होंने आम जनता दे नाल कीता, इन्हां दी बदौलत ही अज पंजाब करजई आ नशेई आ, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे बेरोजगार घूमते हैं। जो महाराणी परनीत कौर दसे कि पिछले 15 साल किन्ने नौजवानों को सरकारी रोजगार दवाया इन्होंने, क्यों साढ़े बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, इन्हां दी बदौलत है कई महाराणी परनीत कौर ने पंजाब दे विच, नॉट ओनली वन, सो दीज पीपल हैव रुइंड द स्टेट एंड देयरफॉर वी आर हेयर टू लुक आफ्टर द स्टेट एंड असीं पंजाब दे विच ताइयों असीं अगे कदम पुट रहे हैं। कोई शक थोड़ा कर्जा माफी जीरो अमरिंदर सिंह दा, अगर कर्जा माफी विच दम हुंदी ते किसान ते खेत मजदूर अज अमरिंदर दे राज विच 600 तो ज्यादा किसान ते खेत मजदूर आत्महत्या कर चुके ने, अगर कर्जा माफी दे विच इफेक्ट हुंदा ते फिर उन्हां नूं खुशहाल होना चाहीदा सीगा, पर अज भी किसान पिट रहा वा, गन्ने का काश्तकार अज भी 500 करोड़ रुपया अपना बकाया मंग रहा सरकार को धरने मार के, जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट आ गई, उदन अरेस्ट करना चाहिए सी, जान के सरकार ने इन्हों हाईकोर्ट तक जान दिता और डिले की है। हुण भी साडी मंग है कि जिन्ने दोषी ने पुलिस ऑफिसर, नोबडी हैज द राइट टू किल समबडी इन कोल्ड ब्लड लाइक दिस, असी उन्हां दी अरेस्ट मंगदे हां, और जिन्हां ने हुक्म दिते सब नूं पता वा सुखबीर सिंह बादल दी होम मिनिस्टर तो बगैर पता नहीं सी हिलदा पंजाब पुलिस दे विच, उहदी गिरफ्तारी होनी चाहीदी है। और प्रकाश सिंह बादल जिसने 14 अक्टूबर 2015 नूं सवेरे 2 बजे DGP नूं आदेश दिते ने ते कोटकपुरा विच गोली चली ते बैबल कलां दे विच गोली चली, उन्हां नूं नामजद करना चाहीदा अमरिंदर सिंह जी नूं, इह जिहड़ी चाचे भतीजे दी ते फ्रेंडली खेड आ इह खतम करनी चाहीदी। तुसीं देख रहे हो पटियाला टीवी, पटियाला टीवी जोड़े आप जी नूं सुणे पंजाब अते देश नाल, हमेशा देखते रहो पटियाला टीवी।